अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। तो ये पूरा वीडियो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, चैप्टर का नाम है हिजरत, जो कि आप लोग के ट्वेल्थ क्लास के कहकशा बुक का, उर्दू के कहकशा बुक का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? हिजरत। देखिए, हिजरत को माइग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं प्रवास या फिर स्थानांतरण। यानी कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना ही हिजरत यानी कि माइग्रेशन कहलाता है। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग हिजरत करते हैं, स्थानांतरण, एक जगह से एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते ही हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे जो नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो भी हिजरत किए थे शहर मक्का से शहर मदीना तक। और यहाँ तक कि सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी और जानवर भी हिजरत करते हैं। देखते हैं जिस देश में ज़्यादा ठंडी या फिर मतलब पशु पक्षियों के लिए मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो प्रतिकूल हो जाता है, ठीक है, उनके सहने योग्य नहीं होता है, तो वो जो पशु पक्षी होते हैं वो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। और फिर जब उस जगह का इन्वायरमेंट जो है, क्लाइमेट, वो मतलब सही हो जाता है, पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, तो फिर वो पक्षी जो है फिर वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं। तो इस तरह पशु पक्षी में भी होता है स्थानांतरण यानी कि हिजरत। सभी लोग, इस दुनिया के सभी लोग, सभी जानवर जो है वो हिजरत करते ही हैं। तो इस चैप्टर में हिजरत और बंजारों, खानाबदोश के बारे में बताया गया है। वैसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के मुसन्निफ के बारे में जानिए। लेकिन यहाँ तक तो आप लोगों को मालूम चल गया ना, ये हिजरत नाम का जो चैप्टर है एक इंशाइया है। इंशाइया किसे कहते हैं? मैं ठीक इसके पहले वाले चैप्टर में बताई थी, चैप्टर नंबर 4 का टाइटल ही था इंशाइया क्या है, और उसमें मैं पूरी डिस्कस जो है इंशाइया के बारे में की हूँ। इंशाइया किसे कहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंशाइया में, सारी चीज़ें मैं चैप्टर नंबर 4 में बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को जानना है कि इंशाइया किसे कहते हैं, तो चैप्टर नंबर 4 आप लोग तो पढ़े होंगे। और जो स्टूडेंट पढ़ने में मतलब मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो सीक्वेंस में पढ़ रहे हो चैप्टर 1, 2, 3, 4, तो आप लोग 4 पढ़े होंगे, तो इंशाइया तो मतलब आप लोग जानते ही होंगे। तो ये चैप्टर जो है एक इंशाइया है, और इस चैप्टर के लिखने वाले यानी कि मुसन्निफ का नाम है अहमद जमाल पाशा। तो सबसे पहले इनके बारे में जानिए। देखिए, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है वो 1929 ईस्वी में हुई है, इलाहाबाद के खुलदाबाद में, याद रखना है। और इनके दादा का नाम है नजफ अली, और इनके पिता यानी कि इनके वालिद का नाम है शुजाअत हुसैन। और इनके वालिद जो है शुजाअत हुसैन, इनकी 2 शादियां हुई थी। दूसरी बीवी का नाम है सरवरी खातून, याद रखिएगा। और 1940 में जो है ना, इनके जो पिता है अहमद जमाल पाशा के पिता शुजाअत हुसैन वालिद, वो 1940 में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए। इलाहाबाद में भले ही अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी और इनके पिता जो है शुजाअत हुसैन वो इलाहाबाद में ही रहते थे, लेकिन 1940 में वो क्या किए, इलाहाबाद को छोड़ दिए और लखनऊ चले आए। और अमीनाबाद के कच्चा अहाता में उन्होंने मकान खरीद लिया, घर खरीद लिया, ठीक है, कहाँ पर, लखनऊ के अमीनाबाद के, लखनऊ के अमीनाबाद के कच्चा अहाते में उन्होंने अपना घर खरीद लिया। और उसके बाद से जो घर खरीदे ना, वो मकान खरीदे, उस मकान का नाम रख दिए सरवरी मंजिल। अपनी दूसरी बीवी के नाम पर ही वो अपने घर का नाम रख दिए सरवरी मंजिल। ठीक, आगे बढ़िए, अहमद जमाल पाशा के बारे में कुछ जानिए। 1950 ईस्वी में जो है ना, वो मैट्रिक पास कर लिए थे अहमद जमाल पाशा, और 1953 ईस्वी में इंटरमीडिएट, और 1956 ईस्वी में उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए भी कर ली, और 1958 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए भी कर लिया। तो ये अहमद जमाल पाशा के एजुकेशन के बारे में बताया गया है। और फिर आगे पढ़िए, 1957 में झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने उनकी किताब मिजाज के लतीफ़े शाये किया। 1957 में जो है ना, अहमद जमाल पाशा का एक किताब है जिसका नाम है मिजाज के लतीफ़े, इसको प्रकाशित किया गया, शाये किया गया, कहाँ से, तो झलक बुक डिपो अलीगढ़ से, ठीक है। और एमए करने के बाद लखनऊ वापस आ गए। ये जो अहमद जमाल पाशा है, जब 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किए, तो एमए कर लेने के बाद वो लखनऊ वापस आ गए, और महनामा यानी कि मंथली मैगज़ीन पत्रिका अवध पंच का इन्होंने शुरुआत कर दी, मतलब ये मंथली मैगज़ीन लिखने की शुरुआत कर दी, जिसका नाम है मतलब अवध पंच, ठीक है। और आगे बढ़िए, 1961 में
कौमी आवाज़ शोबे अदालत में शामिल हुए। 1961 ईस्वी में जो है ना अहमद जमाल पासा कौमी आवाज़ नाम का एक डिपार्टमेंट, आप बोल सकते हैं संपादकीय विभाग था, एक एडिटोरियल डिपार्टमेंट, उसी में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और फिर जुलाई 1976 तक वह वाबस्ता रहे, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में कौमी आवाज़ नाम के इस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे थे ना, तो वहाँ पर वो 1976 जुलाई 1976 तक ही काम किए, वहाँ तक उनका संबंध रहा। उसके बाद से 1976 के बाद वो मतलब डिपार्टमेंट छोड़ दिए, वहाँ से काम करना छोड़ दिए। आगे बढ़िए, 1966 में उनकी दूसरी शादी हुई। अहमद जमाल पासा जो है ना, इन्होंने भी दो शादी की थी, यहाँ तक कि देख लीजिए इनके पिता शुजात हुसैन है, ये भी दो शादी किए थे, दूसरी बीवी का नाम था सरवरी खातून। तो अहमद जमाल पासा ऐसा नहीं है कि अपने अबू को देख देख कर दो शादी किए, ऐसा नहीं है, मतलब कोई इशू था जिसकी वजह से इनको दूसरा शादी करना पड़ा, और उनका दूसरा शादी हुआ 1966 ईस्वी में, और दूसरी बीवी का क्या नाम था, सरवर जहाँ, ठीक है, और जो सरवर जमाल के नाम से मशहूर हो गई। देखिए यहाँ पर सरवर गलती से लिखा गया है, सर सिर्फ लिखा गया है, यहाँ पर सरवर लिखाएगा ऐसे, सरवर सरवर जमाल से मशहूर हो गई, इनकी जो दूसरी बीवी जो है वो सरवर जमाल के नाम से मशहूर हो गई, फेमस हो गई। और आगे बढ़िए, 1976 में मुस्तकल क़याम के खातिर अपने ससुराल चले आए, यानी कि अहमद जमाल पासा जो है 1976 ईस्वी में जब वो 1976 ईस्वी में वो इस कौमी आवाज़ नाम के डिपार्टमेंट को छोड़ दिए, तो वो कहाँ चले आए, मुस्तकल क़याम खातिर यानी कि हमेशा रहने के लिए अपने ससुराल चले आए सिवान, ठीक है, सिवान चले आए, जहाँ उन्हें 1976 में ही ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की मुलाजमत मिल गई। देखिए फिर से ज़रा शुरू से एकदम शांति से समझिए, जब वो काम करते थे इस डिपार्टमेंट में कौमी आवाज़ नाम के, तो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, 1976 ईस्वी तक काम किए, फिर उसके बाद से वो क्या किए, 1976 ईस्वी में जब वो उस डिपार्टमेंट को छोड़े, तो वो मुस्तकल क़याम के खातिर यानी कि हमेशा रहने के लिए अपने ससुराल सिवान चले आए। जब सिवान चले आए तो उनको 1976 में ही उनको नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया ज़किया आफाक कॉलेज में, या और क्या चीज़ का जॉब मिला, तो उर्दू के लेक्चरर का जॉब मिला, ज़किया आफाक इस्लामिया जो कॉलेज था वहाँ पर वो उर्दू के लेक्चरर बन गए, ठीक है। और उसके बाद से 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजमत यानी कि जॉब करने के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने से पटना में ही उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। ये उर्दू के लेक्चरर थे, जॉब कर रहे थे इस्लामिया कॉलेज में, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में, और जॉब करते करते मतलब जॉब करने के दौरान ही 28 सितंबर 1987 को उनको दिल का दौरा पड़ा और पटना में ही उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। और हुआ ये कि 28 सितंबर को उनका इंतकाल हुआ ना, तो ठीक एक दिन बाद 29 सितंबर 1987 को सिवान के तेलहट्टा में उनको दफन कर दिया गया, ठीक। आगे बढ़िए, 1986 में गालिब एकेडमी ने सागर सूरी गालिब अवार्ड अता किया। देखिए अहमद जमाल पासा को जो है ना 1986 ईस्वी में, मरने से ठीक एक साल पहले 1986 ईस्वी में गालिब एकेडमी ने सागर सूरी गालिब अवार्ड अता किया, इनको अवार्ड भी मिला गालिब अवार्ड। अब ज़रा आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि गालिब एकेडमी ने अहमद जमाल पाशा को क्यों अवार्ड दिया, क्योंकि अहमद जमाल पाशा है ना वो उनका तंज व ज़राफ़त का ख़ास मैदान था, यानी कि वो हंसने हंसाने वाली किताबें लिखा करते थे, जिसकी वजह से गालिब एकेडमी ने उन्हें सागर सूरी का अवार्ड दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अहमद जमाल पासा को किसकी वजह से मतलब गालिब अवार्ड यानी कि सागर सूरी नाम का गालिब अवार्ड मिला, तो वो उनके तंज और ज़राफ़त की वजह से, हंसने हास्य किताबों को लिखा करते थे जिसकी वजह से इनको गालिब अवार्ड मिला, ठीक। और देखिए इनके कुछ किताबों का नाम आप लोग के बुक में दिया गया है, अहम किताबें जैसे कि अंदेशा शहर, सितम एजाद, लज्जत आज़ार, मजामीन पाशा, चश्मे हैरा, पत्तियों पर छिड़काव, और गालिब से माजरत के साथ वगैरह वगैरह, इनकी ढेर सारी किताबें हैं, इन्होंने बहुत सारा किताबें लिखा है। मैं यहाँ पर कुछ ही किताब का नाम, आप लोगों के बुक में तो सारा नाम दिया गया है, मैं मतलब अगर लिखूँगी तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और आप लोगों से याद भी नहीं होगा, तो जितना इंपॉर्टेंट है बस मैं उतना ही लिख दी हूँ, ठीक। तो ये हो गया अहमद जमाल पासा के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर समझ लेते हैं कि आखिर इस हिजरत नाम के चैप्टर में बंजारों यानी कि खाना बदोशों और हिजरत के बारे में क्या क्या बातें की गई है। पहले ले लीजिए यहां तक फटाफट स्क्रीन शॉट।
अब चलिए जरा इस चैप्टर को समझिए। देखिए, इस हिजरत नाम के चैप्टर में ना सबसे पहले शुरू में अहमद जमाल पासा बंजारों यानी कि खाना बदोश के बारे में बताए हैं। बंजारे को खाना बदोश भी बोलते हैं, खाना बदोश या फिर घुमक्कड़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बंजारे होते हैं ना, इनका घर स्थायी नहीं होता, एक जगह स्थित नहीं होता। जैसे कि हम लोगों का घर है, एक जगह हमेशा के लिए बन गया है और उसी घर में रहते हैं, कहीं घूमना होता है तो घूम कर फिर अपने घर चले आते हैं। हम लोगों का घर एक जगह स्थित होता है, लेकिन ये जो बंजारे होते हैं ना, ये हमेशा घूमते रहते हैं और जो जगह अच्छा लगा वहीं पर अपना टेंट डाल देते हैं, अपना डेरा डाल देते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक, और वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं, कोई कमी महसूस होती है तो फिर उस जगह से अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं, टेंट उठाते हैं और फिर उस जगह को टाटा बाय बाय बोलकर यानी कि अलविदा कहकर फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, यानी फिर घूमने लगते हैं। और फिर रास्ते में कोई जगह दिखाई दी, उनको अच्छा लगा जगह, फिर वहाँ पर अपना टेंट डाल देते हैं, अपना डेरा डाल देते हैं, फिर वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं, फिर वहाँ पर भी कुछ कमी महसूस हो गई उनके लिए, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो प्रतिकूल हो गया, ठीक है, तो फिर वहाँ से अपना क्या करते हैं, बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और फिर उस जगह को टाटा बाय बाय यानी कि अलविदा कहकर फिर घूमना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरे जगह पर देखते हैं कि हाँ ये जगह अच्छा है तो फिर वहाँ पर टेंट डाल देते हैं। मतलब बंजारों का घर स्थायी नहीं होता है, ये हमेशा घूमते रहते हैं और इसीलिए इनको घुमक्कड़ कहा गया है। ठीक है, घूमते रहते हैं हमेशा और जो जगह अच्छा लगा वहीं पर अपना टेंट डाल देते हैं। तो बंजारे को ही हम लोग खाना बदोश कहते हैं, ये कभी आप लोग नहीं भूलिएगा। तो इस चैप्टर में अहमद जमाल पाशा जो कि लेखक है, देखिए इस हिजरत नाम का जो चैप्टर है ये एक इंशाइया है, ठीक है, और इस इंशाइया के इंशाइया निगार यानी कि इस चैप्टर के लिखने वाले अहमद जमाल पाशा ही ना है। तो अहमद जमाल पाशा खुद इस चैप्टर में बता रहे हैं कि मैं बंजारों की बस्ती यानी कि खाना बदोश की बस्ती को रेलवे स्टेशन के नज़दीक देखा हूँ। ठीक है, अहमद जमाल पाशा जो है वो बंजारों की बस्ती को रेलवे स्टेशन के नज़दीक देखे कि वो जो रेलवे स्टेशन के नज़दीक है ये बंजारे अपना डेरा जमाए हुए हैं, अपना टेंट ताने हैं और उसके बाद से उसमें औरतें बूढ़े बच्चे सभी लोग हैं। औरतें जो है वो टोकरियां बुन रही हैं, लड़के अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, लड़कियां भी हैं। उसके बाद से चूल्हे के इर्द गिर्द कुत्ते और बिल्ली मोर्चा जमाए हुए बैठे हैं। ठीक है, मतलब अहमद जमाल पाशा को इन बंजारों की बस्ती के आसपास ना ज़िंदगी की एक अजीब सी चहल पहल महसूस हो रही है। ठीक है, अहमद जमाल पाशा को इन बंजारों की बस्ती को इन बंजारों की ज़िंदगी को देखकर मासूमियत महसूस हो रही है। ठीक है, तो अहमद जमाल पाशा इसीलिए इन बंजारों की बस्ती को दिन में 2-3 बार ज़रूर देखने के लिए जाते थे। मैं अहमद जमाल पाशा खुद बता रहे हैं कि मैं जो हूँ इन बंजारों की बस्ती को दिन में 2-3 चक्कर लगा ही लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन बंजारों की बस्ती को ना देखूँ ना तो मेरे दिल को शांति नहीं मिलती है। लेकिन जब मैं एक सुबह गया इन बंजारों की बस्ती को देखने के लिए तो मैं क्या देखा कि जितने भी बंजारे हैं वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिए हैं, ज़रूरियात की सामान एक जगह इकट्ठा कर लिए हैं और उनका जो खेमा है टेंट वो अपने खच्चरों पर लाद दिए हैं। अब वो उस जगह को टाटा बाय बाय यानी कि अलविदा कह रहे हैं। ठीक है, और उनके चेहरे पर खुशी नहीं है, एक तरह से उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं ना, तो उस जगह को छोड़कर जाने पर उनके चेहरे पर गम दिखाई दे रहा है, उदासी छाई हुई है कि हम इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिए हैं और उस बंजारों का जो सरदार होता है मेन, वो सीना ताने आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे पीछे जो है जितने भी औरतें बूढ़े बच्चे हैं वो चल रहे हैं। और उस बंजारे का जो सरदार है वो आंखें इस तरह पूरा खुली करके चौकन्ना होकर चारों तरफ देख रहा है और उसके पीछे पीछे जितने भी लोग हैं सभी लोगों के हाथ में कोई ना कोई एक सामान ज़रूर है, कोई एक चीज़ लिए है। किसी के हाथ में जो है गाय का रस्सी है तो किसी के हाथ में बकरी की डोरी है और सबसे पीछे जो है वो कुत्ते चल रहे हैं। ठीक है, और इस तरह वो जो है उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं बंजारे। तो वही अहमद जमाल पाशा देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि देखो ये जो बंजारे हैं कुछ दिन के लिए इस रेलवे स्टेशन के नज़दीक अपना डेरा जमाए हुए थे। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में कुछ अजीब ही सी चहल पहल थी। ठीक है, अब इस जगह को वो छोड़ कर जा रहे हैं, अब ये रास्ते में घूमेंगे और देखेंगे अब कौन सा जगह अच्छा है और फिर वहाँ पर अपना टेंट डाल देंगे और वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कि इनके लिए हर मुल्क मुल्क मस्त होता है, यानी कि इनके लिए हर मुल्क मुल्क मस्त यानी कि अपना मुल्क होता है। इनको जो जगह अच्छा लगा वहीं पर डेरा डाल देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता है इनको। ठीक है, और महज़ब इंसान जो है महज़ब इंसान खाना बदोश के मामले में बहुत कमज़ोर है। महज़ब इंसान यानी कि हम लोग सभ्य इंसान जो समाज में रहते हैं, इंसान जो है ना वो इन खाना बदोशों से बहुत कमज़ोर है।
क्योंकि हम जितने भी समाज में रहने वाले इंसान होते हैं ना, वो पैसा कमाते हैं आधी ज़िंदगी और उसके बाद से उसी पैसे से अपना घर बनवाते हैं, एक स्थाई एक जगह स्थित घर बनवा लेते हैं और उसी में आधी ज़िंदगी रहकर गुजारते हैं। लेकिन जो ये खानाबदोश होते हैं ना, ये अपने घर को ही साथ में लेकर घूमते रहते हैं और जो जगह अच्छी लगी वहीं पर जो है अपना टेंट डाल दिए और ये पूरी ज़िंदगी जो है अपनी ज़िंदगी के लम्हे को जीते हैं। लेकिन हम लोग आधी ज़िंदगी जो है वो पैसे कमाने में बिज़ी रहते हैं और फिर पैसा कमाकर घर बनवाते हैं स्थायी जीवन जीने के लिए, और जब घर बनवा लेते हैं तो आधी ज़िंदगी उस घर में बिताते हैं। लेकिन ये जो है पूरी ज़िंदगी को जीते हैं, ये अपना घर जो है लेकर घूमते रहते हैं और जो जगह अच्छा लगा वहीं पर डेरा डाल देते हैं। और इसीलिए बोला गया है कि जो सभ्य इंसान है, समाज में रहने वाला इंसान है, वो खानाबदोश के मामले में बहुत कमज़ोर है। जो खानाबदोश कर सकते हैं वो सभ्य इंसान यानी कि समाज में रहने वाला इंसान नहीं कर सकता है। ठीक है, खानाबदोश का घर और धंधा मासूम बच्चे के रेत के मानंद है। ये जो खानाबदोश है इनका घर धंधा मासूम बच्चे के रेत के समान है। देखते हैं जिस तरह बच्चा जो है रेत का घर बनाता है और फिर अच्छा नहीं लगा तो उसको उजाड़ देता है, फिर बनाना शुरू कर देता है, बिल्कुल उसी तरह खानाबदोश का भी घर होता है। वो घर बनाते हैं, अगर अच्छा नहीं बना तो फिर उजाड़ते हैं, फिर बनाते हैं। ठीक, और उसके बाद से खानाबदोश ज़िंदगी का कुम्हार है। कुम्हार जिसको बोला जाता है कुहार, गांव देहात में बोलते हैं कुहार, जो कि बर्तन बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक चक्की होता है और आटे की लोई लेते हैं और उस वो चक्की चलता रहता है और उसी पर रखकर वो बर्तन बनाते हैं। ठीक है, तो जब वो बर्तन बनाते हैं ना तो बिगड़ जाता है, कहीं से टेढ़ा हो जाता है, तो फिर उस मिट्टी के लोई को उठाकर फिर उसको सानते हैं और फिर उस पर चक्की पर रखकर फिर बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो है ये खानाबदोश अपने घर को बनाते हैं ना, अगर बिगड़ जाए घर तो फिर से उजाड़ कर फिर शुरू से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है खानाबदोश जो है वो ज़िंदगी का कुम्हार है। और एक तरह से देखा जाए तो ये खानाबदोश जो है ना, ये समाज जो हम लोग का समाज है उससे बिल्कुल कटकर अलग हो गए हैं। ठीक है, गांव देहात और उसके वजह से शहर के लोगों के दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं बची हुई है। एक तरह से ये अपना अलग समाज बना चुके हैं, ये समाज से ऐसे कट कर अलग हो गए हैं जैसे कि बड़े भाई के मुकाबले छोटा भाई। ठीक है, और आगे बढ़िए, हिजरत इन, अब यहाँ से शुरू होती है बात हिजरत की यानी कि माइग्रेशन। शुरू में ही ना बताई थी हिजरत किसे कहते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना ही हिजरत यानी कि माइग्रेशन कहलाता है। तो देखिए, हिजरत इंसान की सिरस्त में है यानी कि हिजरत जो है वो इंसान के नेचर में है। ठीक है, हर इंसान को क्या करना है, हिजरत करना है, माइग्रेशन करना ही करना है, जिसका सिलसिला तो जन्नत से शुरू होता है। यानी कि हम लोग जितने भी इंसान हैं वो पहली हिजरत कर चुके हैं और वो पहली हिजरत क्या है, जन्नत से इस सरजमीन तक का हिजरत। हम लोग पैदा हुए हैं तो जन्नत से इस सरजमीन इस ज़मीन पर आकर आबाद हुए हैं, तो ये हम लोग का पहली हिजरत हो गया है। और अल्लाह ताला का भी हुक्म हुआ था कि जाओ मेरी बनाई हुई दुनिया पर आबाद हो जाओ, और हजरत आदम अलैहि सलाम है ना, उन्हीं से पहली हिजरत की शुरुआत हुई। वही हिजरत की शुरुआत किए थे, वही हैं जिन्होंने सबसे पहले जन्नत से इस सरजमीन पर कदम रखा। ठीक है, और उसके बाद से जितने भी इस दुनिया में लोग हैं वो जन्नत से इस सरजमीन पर आए। ठीक है, और तब इस दुनिया पर आबाद हो गए। तो हिजरत की शुरुआत जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होती है, उसके बाद जो है हम लोग हिजरत किए, हम लोग जन्नत से इस सरजमीन तक आए और पहली हिजरत जितने भी इस दुनिया के इंसान हैं वो कर चुके हैं। अब अगर वो अपनी ज़िंदगी में हिजरत नहीं कर रहे हैं, वो हिजरत करने से चूक गए हैं, तो आखिरी हिजरत से नहीं बच सकते हैं। देखिए, हिजरत तो एक फ़र्ज है जो कि सबको अदा करनी है। हम लोग पहला जो हिजरत है वो अदा कर चुके हैं, और अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में हिजरत नहीं करते हैं, हिजरत करने से चूक जाते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो आखिरी हिजरत से हम लोग नहीं बच सकते हैं। और वो पता है आखिरी हिजरत क्या है, वो है मौत, जो कि इस सरजमीन से जन्नत तक का है, मतलब बिला आखिर जन्नत तक का। अब ये तो मैं नहीं जानती कि किसकी मौत होने, मतलब किसी की मौत होने पर वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नुम में जाएगा, लेकिन अगर वो जहन्नुम में जाता है और सज़ा काटने के बाद अंततः बिला आखिर वो तो जन्नत में ही जाएगा, तो वही मैं बोल रही हूँ कि कोई भी इंसान जो है वो आखिरी हिजरत से नहीं बच सकता है। और वो जो आखिरी हिजरत है सरजमीन से जन्नत तक का है, चाहे आप ज़िंदगी में हिजरत करें या फिर ना करें, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाए या ना जाए, लेकिन आखिरी हिजरत यानी कि मौत से आप लोग नहीं बच सकते हैं, जो कि सरजमीन से जन्नत तक का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे देखिए क्या लिखा गया है कि मगरिब गुलामी की अलामत है, इसकी जानिब हिजरत तो ऐसी है जैसे आज़ाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। देखिए, यहाँ पर अहमद जमाल पाशा जो है ना, वो मगरिब यानी कि पश्चिम को
ठीक है, यानी कि वेस्ट को गुलामी की अलामत यानी कि गुलामी का निशानी बताया है। वो बता रहे हैं कि पश्चिम की तरफ हिजरत करना, पश्चिम में कौन कौन से देश आते हैं, सऊदी अरब आता है, ओमान, ईरान, तो इधर मतलब पश्चिम की तरफ हिजरत करना, माइग्रेशन करना ऐसे है जैसे कि आज़ाद पंछी को सोने के पिंजड़े में कैद कर दिए गया हो, यानी कि जैसे एक आज़ाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, लेकिन वो पिंजरा भले ही सोने का होता है लेकिन आज़ाद पंछी कैद तो है उसमें, ठीक है, उसको एक बाउंड्री मिल गई है कि इस बाउंड्री से तुम्हें बाहर नहीं जाना है। बिल्कुल उसी तरह मगरिब की तरफ यानी कि मगरिब यानी पश्चिम में जितने भी देश हैं, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, ये जितने भी हैं जहाँ पर लोग हिजरत करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, जाकर रहते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल उसी तरह भले ही वहाँ पर जाकर कमाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ का भी कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिसको आप पार नहीं कर सकते हैं, समझ रहे बात को। इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी अरबिया में जाकर कमाते हैं, तो उन्हें तो वो कमाते बहुत अच्छा है, उनकी मंथली बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन वहाँ सऊदी अरब में जो रूल और रेगुलेशन बनाया गया है उसको वो पार नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का देश का बात अलग ही है, हम लोग अपने देश के निवासी हैं तो हम अपने देश में जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है सऊदी अरब में या फिर मगरिब की तरफ, पश्चिम की तरफ जितने भी देश हैं वहाँ पर जाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि एक आज़ाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया, मतलब वहाँ पर जाकर आप कमा सकते हैं, फ्री रह सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन एक बाउंड्री में, ठीक है, एक वहाँ पर आप लोगों को कायदा कानून मिलेगा, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तो वही बात बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़िए। आखिर में इन शाया निगार को हिजरत में इंसानी भाईचारा और आलमी यकजहती और वसात का एहसास होता है, यानी कि लास्ट में इन शाया निगार, ये हिजरत नाम का चैप्टर है, एक इंशाइया है और इसके इंशाइया निगार कौन है, अहमद जमाल पाशा। तो अहमद जमाल पाशा को लास्ट में हिजरत में यानी कि माइग्रेशन करने में इंसानी भाईचारा नज़र आता है, यानी कि इंसानों में भाईचारा, अगर आप हिजरत करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरों लोगों को जानेंगे और इस तरह इंसानी भाईचारा बढ़ेगी, ठीक है, और आलमी यकजहती भी दिखाई देती है, यानी कि वैश्विक एकजुटता, जैसे ही जितना ही ज़्यादा आप लोग हिजरत करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को जानेंगे और लोगों में एकजुटता पैदा होगी, ठीक है, और उसके बाद से वसाहत का भी एहसास होता है अहमद जमाल पाशा को। वसाहत यानी कि एक्सपेंशन, विस्तार, जितना ही ज़्यादा आप लोग माइग्रेशन करेंगे, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहेंगे, दूसरे लोगों से मुलाकात करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका विस्तार होगा, उतना ही लोग आपको जानेंगे और आप लोगों को जानेंगे, तो विस्तार होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अहमद जमाल पाशा को हिजरत में दिखाई देती है, तो वो लास्ट में बोल रहे हैं कि हाँ, हिजरत करना चाहिए, सभी को अपनी ज़िंदगी में हिजरत करना चाहिए, क्योंकि उसमें इंसानी भाईचारा भी बढ़ती है, आलमी यकजहती भी बढ़ती है और वसाहत यानी कि विस्तार भी होता है। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा चैप्टर, ये जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताई बस इतना ही आप लोगों के बुक में दिया गया है, हर एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दी, कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके, और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोगों को एक घंटी दिखाई देगी, उस पर क्लिक कर लेना है, जब आप लोग घंटी पर क्लिक करेंगे ना तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।